Dear student, good morning. हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे और आज हमारा जो वीडियो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर है और आज हम जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा रहे हैं, वो पहला गुणधर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशन दाब। अब प्राशन दाब जानने से पहले आप ये बताइए, व्हाट डू मीन्स ऑस्मोसिस, प्राशन किसे कहते हैं? जरूरी है। अब व्हाट डू मीन्स ऑस्मोसिस, आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ा होगा, बॉटनी विशेष रूप से प्राशन किसे कहते हैं? आपने सूखे टमाटर के बारे में सुना होगा, किशमिश के बारे में सुना होगा, यदि किशमिश को हम पानी में रखते हैं तो फूल जाती, ऐसे सूखा टमाटर को यदि जल में रखते हैं तो वो भी फूल जाता, ये सब प्राशन प्रक्रिया है। ओस्मोसिस, प्राशन का मतलब है धक्का देना, ओस्मोसिस धक्का देना। इस सबसे पहले जो टर्म दी थी ओस्मोसिस की, वो एबे नोले 1784 ओस्मोसिस धक्का देना, और एबे ने सबसे पहले ये प्रयोग करके दिखाया था व्हाट डू मीन्स ओस्मोसिस। फिर भी हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मान लीजिए किसी विलियन को उसके विलायक से अर्धपारगमे झिल्ली द्वारा पृथक कर दे, एक विलियन है एक साइड में, दूसरी साइड में उसका सोलवेंट है और उसके मध्य एक एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगमे झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणु या कह सकते पार्टिकल झिल्ली में से होकर विलियन की ओर गमन करते। पुनः सुन लीजिए, जब किसी विलियन को उसके विलायक से अर्धपारगमे झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलियन की ओर गमन करते। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ओस्मोसिस कहा जाता है। और यह प्रक्रम तब तक जारी रहता है विलियन और विलायक के मध्य जब तक दोनों ओर सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। दोनों की सांद्रता, विलियन और विलायक दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रम जारी रहता है, जब तक साम्य स्थिति नहीं आती। इस डायग्राम देख लीजिए, ऑस्मोसिस की परिभाषा बताइए। ये विलियन है, सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट है, इसको एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक कर दिया गया तो विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलियन की तरफ गमन करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। ये कब तक जारी रहेगी प्रक्रिया? जब तक कि दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। इसको हम दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं। ये विलियन और विलायक की बात। अब मान लीजिए किसी विलियन के दो विलियन बनाए हमने, मान लीजिए 1/n/10 एंड 1/n/20 उसी विलियन का, एक विलियन के दो भिन्न विलियनों को यदि अर्धपारगमे झिल्ली द्वारा अलग कर दी जाए, एक उच्च सांद्रता का एक कम सांद्रता का, उसको एक एसपीएम द्वारा पृथक कर दिया जाए, अर्धपारगमे झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणु सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स कम सांद्र विलियन से उच्च सांद्र विलियन की ओर गमन करें। इस डायग्राम से देखिए, विलियन की दो भिन्न सांद्रता का विलियन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, उसको हमने एसपीएम द्वारा पृथक कर दिया गया तो विलायक के अणु कहां से कहां जाएंगे? कम सांद्र विलियन से उच्च सांद्र विलियन की ओर गमन करेंगे।
प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। और पुनः बता दें, ये प्रक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। ये आप परिभाषा इस विलय और विलायक के मध्य कर लीजिए, या दो भिन्न सांद्रता के विलयन के अनुसार इसको परिभाषित कर लीजिए। तो ये हमने आप बताया प्राशन क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं प्राशन दाब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्राशन दाब। ये बता दें हम प्राशन दाब को किस में करते हैं बच्चों, पाइस में करते हैं। किससे लिखते हैं, पाइस। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर लें, मान लीजिए किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपाग में झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए, तो विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करेंगे। दूसरा डायग्राम देख लीजिए, इधर विलयन है, इधर विलायक है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो विलायक के अणु एसपीएम में से होकर विलयन की ओर गमन करेंगे, जिससे विलयन का स्तर बढ़ जाता, आयतन बढ़ जाता। अब इसका आयतन बढ़ जाता है तो विलयन की सतह पर हम पिस्टन की सहायता से अतिरिक्त दाब लगाते, अतिरिक्त अधिक दाब लगाते, जिससे विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करने से रुक जाते। इस पिस्टन द्वारा लगाया गया ये अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त प्रेशर प्राशन दाब। कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं आपको, प्राशन प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया विलयन की सतह पर दाब प्राशन दाब कहते, जिससे प्राशन प्रक्रिया रुक जाती, अर्थात विलायक के अणु विलयन की ओर गमन नहीं कर पाते झिल्ली में से होकर। पुनः सुन लीजिए, विलयन विलायक, विलायक के अणु झिल्ली में से होकर अर्धपाग झिल्ली में से होकर विलयन की ओर गमन कर, जिससे ये देख लीजिए पिस्टन उठ जाती, साम्य स्थिति उत्पन्न हो जाती। अब इस साम्य स्थिति पर पिस्टन की सहायता से हम दाब डालते हैं और पिस्टन को पूर्व की स्थिति मिलाते हैं, और इस पूर्व की स्थिति के लिए पिस्टन पर डाला गया दाब प्राशन दाब। दूसरे परिभाषित कर लीजिए, मान ली किसी विलयन की दो भिन्न सांद्रता के विलयन, कम लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, अल्पारंभ झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए जाता है, तो विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता के विलयन की ओर गमन करते हैं। बच्चों इस प्रक्रिया को प्राशन कहते हैं। इस प्राशन प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्र विलयन की ओर से डाला गया दाब प्राशन दाब है, जिससे प्राशन क्रिया रुक जाती, अर्थात विलायक के अणु उच्च कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर गमन रुक जाता है उनका। इस दाब को डाला गया दाब, विलयन की सतह पर डाला गया अतिरिक्त दाब प्राशन दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परिभाषा, ये भी परिभाषा प्राशन दाब। तो ये था प्राशन किसे कहते हैं और प्राशन दाब किसे कहते हैं। प्राशन प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब डालते हैं विलयन की सतह पर वो प्राशन दाब कहते हैं, इसको पाइस व्यक्त करते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्राशन दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। प्राशन दाब के कौन कौन से नियम, देखिए एक फेफर साइंटिस्ट हुआ था, फेफर ने कुछ प्रयोग किए और कुछ ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए, कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए, प्रेक्षण के आधार पर
बॉर्नहॉफ ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कुछ नियम दिए, तनु विलयन के लिए कुछ नियम दिए, जिन्हें प्रश्न दाब के नियम कहा जाता है। ये कह सकते प्रश्न दाब के बॉर्नहॉफ नियम भी कहते हैं। बॉर्नहॉफ ने तनु विलयन और गैसों के मध्य संबंध स्थापित किया। किसके इसके मध्य? डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, ये तनु विलयन है जिसमें सॉल्यूट दूर दूर, सॉल्यूट के कण दूर दूर होते हैं, ये गैस के पार्टिकल है और ये तनु विलयन है। तो बॉर्नहॉफ ने गैस और तनु विलयन के मध्य कुछ संबंध स्थापित किए और दोनों के संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नियम दिए, जिसे हम प्रश्न दाब के नियम कहते हैं। क्योंकि तनु विलयन में सॉल्यूट के कण दूर दूर होते हैं और गैस में भी गैस के कण दूर दूर रहते हैं, तो दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए बॉर्नहॉफ ने नियम दिए। जो पहला नियम है बॉयल बॉर्नहॉफ नियम, बॉयल बॉर्नहॉफ नियम, यह नियम प्रश्न दाब, आयतन और सांद्रता तीनों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। मतलब प्रश्न दाब, विलयन के प्रश्न दाब, विलयन का आयतन और विलयन की सांद्रता तीनों के मध्य संबंध स्थापित करता है। पी बी और सी के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस नियम में प्रश्न दाब पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझाया गया। प्रश्न दाब पर विलयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है यह भी समझाया गया इसमें। जिस प्रकार से आपने बॉयल का नियम गैसों के लिए पढ़ा होगा, बॉयल का नियम जब आपने गैस नियम पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, तो वहां बॉयल का नियम था गैस के लिए, क्या था? गैस दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन बी फॉर गैस के लिए। बॉयल का नियम गैस के लिए क्या? पी समानुपाती वन अपॉन बी फॉर गैस के लिए। इसी प्रकार से बॉर्नहॉफ ने तनु विलयन का नियम दिया, ये बॉर्नहॉफ लॉ। पाई तनु विलयन का प्रश्न दाब समानुपाती वन अपॉन बी फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श तनु विलयन के लिए, आइडियल डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए। जिस प्रकार से गैस के लिए किसने नियम दिया? बॉयल्स ने। उसी प्रकार से बॉर्नहॉफ ने आदर्श तनु विलयन के लिए नियम दिया। दोनों में समानता, गैस दाब है, ये तनु विलयन का दाब है, प्रश्न दाब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन बी। तो यदि हम यहीं इसको परिभाषित करें, किसी विलयन का, किसी तनु विलयन का प्रश्न दाब एक मोल विलय रखने वाले विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, यहां n बराबर क्या है? वन मोल। किसी तनु विलयन का प्रश्न दाब एक मोल विलय रखने वाले विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी परिभाषा इसको इस प्रकार करें, पाई वी बराबर कॉन्स्टेंट, स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या है? यहां कॉन्स्टेंट। स्थिर ताप पर तनु विलयन का प्रश्न दाब और उसके आयतन का गुणनफल मल्टीपल स्थिर होता है। तनु विलयन का प्रश्न दाब और उसके आयतन के गुणनफल का मान स्थिर रहता है, कॉन्स्टेंट। क्लियर? एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, स्थिर ताप पर तनु विलयनों का प्रश्न दाब उसकी सांद्रता के
समानुपाती होता है. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. तो हमें ताप कॉन्स्टेंट है, इस ताप पर तनु विलयन प्रश्न दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती. तो ये था पहला नियम, सांद्रता का प्रश्न दाब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दूसरा प्रश्न दाब का नियम है चार्ल्स वांट ऑफ लॉ. चार्ल्स वांट ऑफ लॉ यह कह सकते हैं प्रश्न दाब पर ताप का प्रभाव. यहां प्रश्न दाब पर परम ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है. पहला था प्रश्न दाब पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा है प्रश्न दाब पर परम ताप का क्या प्रभाव पड़ता है. यह दूसरा नियम जिस प्रकार से चार्ल्स ने गैसों के लिए नियम दिया था, ध्यानो क्या था, P समानुपाती T, गैस दाब परम ताप के समानुपाती होता है. उसी प्रकार से वॉन टॉफ ने आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नियम दिया पाई समानुपाती T. पाई समानुपाती T मतलब स्थिर आयतन पर तनु विलयनों का प्रश्न दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है. एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के समानुपाती. इस तरह कर सकते हैं पाई अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट. इस तरह आयतन पर तनु विलयन का प्रश्न दाब और परम ताप का अनुपात रेशो स्थिर होता है. इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, क्लियर. ये परम ताप के समानुपाती है सांद्रता के समान. तीसरा नियम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड नियम को मिलाकर तीसरा नियम दिया गया तनु विलयन की एक समीकरण बनाई गई, एक व्यापक समीकरण बनाई गई, एक जनरल इक्वेशन दी गई, जनरल इक्वेशन फॉर आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन. आदर्श तनु विलयन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो समीकरण दी गई, एक व्यापक समीकरण दी गई जिसको हम वांट ऑफ समीकरण भी कहते हैं या तनु विलयन की सामान्य समीकरण भी कहते हैं. किस तरह से आप ड्राइव करेंगे इसको, पहला ला पाई समान अपॉन बी, दूसरा पाई समानुपाती टी, इसको और हमने इसको लिया फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कंबाइंड पाई समानुपाती टी अपॉन वी, दोनों को मिलाया पाई वी बराबर एस टी. एस यहां बच्चों क्या है, फिलहाल ये प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट समानुपाती स्थिरांक जिसे वांट ऑफ स्थिरांक भी कहते हैं, विलियन स्थिरांक भी कहते हैं, सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, वांट ऑफ कॉन्स्टेंट भी कहते हैं. ध्यान रहे यदि सॉल्यूट के एन मोल हो तब इस समीकरण कह रहा हूं पाई वी बराबर एन एस टी. एस पुनः समझा रहे हैं विलियन स्थिरांक है और ये जो समीकरण है ये वांट ऑफ समीकरण
फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन की क्वांट ऑफ समीकरण कहलाती है, तनु विलयन की समीकरण कहलाती है, इसको आप जरूर ध्यान रखना है। पाई वी बराबर एन एस टी एन मोल पी। अब आइडियल गैस समीकरण आप ध्यान दीजिए, पढ़ा होगा आइडियल गैस समीकरण क्या है। एन मोल के लिए पीवी बराबर एनआरटी है, क्लियर। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआर। वांडाप ने एस का मान ज्ञात किया, तो एस का मान जो ज्ञात किया, एस का मान आर के मान के लगभग बराबर आता है। जो आर गैस स्थिरांक है, इसमें जो आर गैस स्थिरांक है, इसका मान क्या होता है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति डिग्री प्रति मोल। एस का मान ज्ञात किया, वो भी लगभग 0.0823 लीटर एटमॉस्फेयर डिग्री प्रति डिग्री प्रति मोल पर। दोनों के मान लगभग बराबर आए। एस विलयन स्थिरांक और आर गैस स्थिरांक, दोनों के मान समान आए, तो इससे स्पष्ट होता है तनु विलयन और गैसों के मध्य समानता होती, क्योंकि गैस में भी अणु दूर दूर होते हैं, गैस का और तनु विलयन में भी अणु दूर दूर होते हैं। तो वांडाप ने गैस और तनु विलयन के मध्य समानता स्थापित की, और समानता स्थापित की तो एक समीकरण थी, हम इस पर लिख सकते हैं पाई वी बराबर एन आर टी। आर और एक्स का मान एक ही है, दोनों के मान लगभग बराबर, तो लिख सकते पाई बराबर एन आर टी। आर की जगह एस, एस की जगह आर लिख सकते हैं। तो यह समीकरण है तनु विलयन की वांडाप समीकरण कहलाती है, या तनु विलयन की व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन कहलाती है। तो ये फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, तो थर्ड नियम है, फर्स्ट और सेकंड नियम को मिलाकर बनाया गया एक तनु विलयन के लिए व्यापक समीकरण दी गई। पाई वी बराबर एन एस टी कह लीजिए, पाई वी बराबर एन आर टी कह लीजिए, क्योंकि आर और एस का मान लगभग लगभग पर। एक चौथा नियम और है एवोगैड्रो वांडाप लॉ। एवोगैड्रो वांडाप लॉ क्या है, मान लीजिए आपके पास दो विलयन, दोनों विलयन के लिए वांडाप समीकरण क्या लिख सकते हैं, 1π1b1n1rt1, दूसरे के लिए π2v2n2rt2। दो आपके पास विलयन हैं, एक का के लिए वांडाप समीकरण π1b1n1rt2 और दूसरे के लिए, अब मान लीजिए दोनों विलयन के ताप समान है, उनमें घुले हुए मोलों की संख्या समान है, मान लीजिए दोनों में n1 बराबर n2, विलयनों में घुले हुए मोलों की संख्या बराबर है, दोनों का ताप बराबर है, और जिसमें n1 n2 मोल घुले हुए हैं उनके आयतन भी बराबर, तो पाई वन बराबर पाई, तो उनके पराशर दाब भी बराबर होंगे। यदि दो विलयनों के ताप बराबर हैं, उसके आयतन भी बराबर है, और उसमें घुले हुए उनके मोलों की संख्या भी बराबर है, तो उनके दोनों विलयनों के पराशर दाब भी बराबर होंगे। ऐसे विलयन समपराशदाबी विलयन कहलाते हैं, समपराशदाबी विलयन कहलाते हैं। तो ये थे पराशनदाब के, ये चार नियम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहले दूसरे मिलाकर तीसरा बनाया है, चौथा एवोगैड्रो वांडाप नियम।
यदि विलयन का आयतन बराबर है, मोलों की संख्या बराबर है, ताप बराबर है, तो उन विलयनों के पराशन दाब भी बराबर होंगे। क्लियर? लेकिन पराशन दाब की कुछ लिमिटेशन, सीमाएं हमेशा नहीं लागू होते। पराशन दाब नियम की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है? एक लिमिटेशन तो यह है, विलयन तनु होना चाहिए, बैलून पर्याप्त तनु होना चाहिए, अत्यंत तनु होना चाहिए। दूसरा, ताप स्थिर होना चाहिए, टी कॉन्स्टेंट। और तीसरा, जो विलय पदार्थ है वो एवाप्सील होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन पोलर और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये शर्त है इसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको क्लियर बता दिया पराशन क्या है, पराशन दाब क्या है, क्या क्या परिभाषाएं उनकी, कई कई प्रकार से हमको डिफाइन पराशन दाब के लिए किया, पराशन दाब के कौन कौन से नियम है, चार्ल्स वॉन्ट ऑफ नियम, बॉयल वॉन्ट ऑफ नियम, जनरल इक्वेशन, एवोगाड्रो वॉन्ट ऑफ नियम, ये पराशन दाब के नियम है। वॉन्ट ऑफ ने तनु विलयन और गैस उन्मत समानता स्थापित और एक व्यापक समीकरण दी, जो हम आपको बता चुके, एक सिद्धांत दिया वॉन्ट ऑफ वैलिड सॉल्यूशन के लिए, वॉन्ट ऑफ थ्योरी, वॉन्ट ऑफ थ्योरी दोनों के मध्य समानता दी, गैस जिस प्रकार से गैस के अणु गैस में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से तनु विलयन में सोल्यूट के अणु व्यवहार करते हैं, और जिस प्रकार से गैस के अणु द्वारा डाला गया गैस दाब होता है उसी प्रकार से विलयनों में पराशन दाब होता है, बसरते विलय पदार्थ विलयन में किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे। यह है वॉन्ट ऑफ थ्योरी फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से वॉन्ट ऑफ ने तनु विलयन और गैस उन्मत समानता स्थापित की और एक समीकरण दी। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर की बुक्स पढ़िए, आपकी कंपटीशन में काम आएगी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कोर्स में भी काम आएगी। कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट्स लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल में आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टडी सिप विद रामानंद यादव, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप जाकर केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के विभिन्न टॉपिक के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं। सभी को मेरा पुनः पुनः थैंक यू, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।